తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గాని హైదరాబాద్ లో గాని మీకు అండగా నిలబడడానికి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నది అందుకే ఈ రోజు మీరు ఆలోచన చేయండి పోయిన ఎన్నికల్లో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో 28 పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలు ఉంటే 25 పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలు భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీని గెలిపించింది కానీ కర్ణాటక రాష్ట్రానికి ఇచ్చిన కేంద్ర మంత్రి పదవి క్యాబినెట్ ర్యాంక్ మంత్రి పదవి ఇచ్చింది ఒకే ఒక్కటి కానీ అదే గుజరాత్కు 26 మంది ఎంపీలు ఉంటే 7 మంత్రి పదవులు ఇచ్చారు మీ కర్ణాటకలో కరువు వస్తే మీ బెంగళూరులో తాగడానికి నీళ్లు ఇవ్వలేదు ప్రాజెక్టులు కట్టడానికి అనుమతి ఇవ్వలేదు కర్ణాటక రాష్ట్రం కరువు వస్తే కరువు కోసం మీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం సహాయం అడిగితే మీకు ఎలాంటి సహాయం చేయలేదు అందుకే కర్ణాటక ప్రభుత్వం సిద్ధరామయ్య గారు డికే శివకుమార్ గారు జంతర్ మంతర్లో పెద్ద ఎత్తున ధర్నా చేసి సుప్రీం కోర్టు పోయి మీకు ఈ రోజు నిధులు తీసుకొచ్చి ఈ రోజు మీ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నారు వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రోజు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా నిలబడాలి బాయ్ బాయ్ను మై జాదా వక్త్ నహీ లేనే చాతా హూ మగర్ నరేంద్ర మోదీ జీకు దో బార్ 10 సాల్ సర్కార్ చలానే కే లియే మౌకా దియే పిచ్లే చునావ్ మే కర్ణాటక సే 25 పార్లమెంట్ మెంబర్ కో జితా కే దియే మగర్ ఆప్కో ఔర్ ఆప్కే శహర్ బెంగళూరు మే పీనే కా పానీ నహీ రహా తో కమ్ సే కమ్ పానీ నహీ దియే ప్రాజెక్ట్ బనానే కే లియే పర్మిషన్ భీ నహీ దియే ఇస్కే అలావా 25 ఎంపీస్ రహా తో ఏకీ ఏక్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఆప్ లోగో కో దియే कर्नाटक आज आपके लोग बोल रहे कर्नाटक को क्या दिए बोले तो एक चंबू दिए छोटा एक छोटा चंबू दिया बोल के आपके कर्नाटक के लोग कह रहे इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार 400 सीट इसीलिए मांग रहे बीजेपी आपका एससी एसटी बीसी ओबीसी रिजर्वेशन हटाने के लिए बीजेपी 400 सीट मांग रहा है मैं एक ही गुजारिश करता हूं कर्नाटक भाइयों से अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताए तो आपकी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी रिजर्वेशन चला जाएंगे अगर आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दिए तो आपका एससी एसटी रिजर्वेशन और माइनॉरिटी रिजर्वेशन लागू रहेगा इसीलिए कर्नाटक जनता आप लोग सोचो आपकी धरती पुत्र आप गुरमिटकर से गुरनर अपना मल्लिकार्जुन खड़गे जी 8 बार एमएलए चुनाव जिताए आप ही लोग पूरे पूरे 9 बार एमएलए को जिताए 2 बार पार्लियामेंट मेंबर को जिताए 50 साल से खड़गे जी आपके तरफ से दिल्ली से दिल्ली तक लड़ा हुआ है आपके नाम रोशन किए आज कर्नाटक के भाई लोग दिल्ली गए तो आपकी एक हिम्मत है आपके नेता कलके जी दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष बनकर बैठा हुआ है सोनिया जी कलके जी को इतना बड़ा मौका दिए एआईसीसी अध्यक्ष बनने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता ने ये मौका दिया हुआ है मैं आज कर्नाटक भाइयों से एक ही बात पूछ रहा हूं आपके नेता नेशनल लीडर बना नेशनल प्रेसिडेंट बना आप उनके साथ खड़े रहने का वक्त आए जब गुजरात में गुजरात के सारे जनता नरेंद्र मोदी को 25 के 25 सीट दिया हुआ है फिर आप लोग कर्नाटक से भी 25 सीट देने का जरूरत है आज सवाल है कर्नाटक वर्सेस गुजरात क्योंकि 26 सीट है कर्नाटक गुजरात में यहां पर भी 28 सीट्स है अभी देखता हूं मैं कांग्रेस के अध्यक्ष कर्नाटक से अमित शाह नरेंद्र मोदी गुजरात से है फिर वहां पर उन लोगों को ज्यादा मदद गुजरात से मिलेंगे नहीं तो हमारे नेता खड़गे जी को कर्नाटक से मदद मिलने वाले हैं
इसीलिए हमारे भाइयों से एक ही गुजारिश है, खड़गे जी को आप मदद दे दो, 25-26 सीट कर्नाटक से दिलाओ, केंद्र में सरकार बनाएंगे, लाल कोटा पे तिरंगा झंडा लहराने का जिम्मेदारी प्रियंका जी उठाने वाली है, राहुल जी उठाने वाले, हम साथ में रहकर, साथ खड़े रहकर मोदी जी को हराएंगे। मोदी जी, आज तक अमित शाह जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे थे चुनाव जीतने के लिए। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है, सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई धरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले है। देखेंगे आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे कर्नाटक और तेलंगाना में, क्योंकि राहुल जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पद यात्रा किए, कर्नाटक में सरकार बने, तेलंगाना में भी सरकार बने, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी अपना सरकार बनने वाले, केंद्र में भी अपना सरकार बनने वाले, अपने लिए अपना नेता है खड़गे जी है, अपने नेता सोनिया जी है। इसीलिए मेरा गुजारिश यहाँ के सेडम के लोगों को, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, बगल के तेलंगाना आपको पता है, मेरा असेंबली भी कोडंगल है, आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े मुझे एक आवाज दो, मैं यहाँ हाजिर हूँ, आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े तो सीधा सीधा हैदराबाद चल कर आओ, मैं वहां रहता हूँ, आप लोगों के लिए काम करने के लिए, आप लोगों को मदद करने के लिए हमेशा मैं हाजिर रहता हूँ। यही मेरा भाषण खत्म करते हुए मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद श्री रेवंत रेड्डी सर अवरिगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्राध्यक्षर सन्मान्य डॉक्टर मल्लिकार्जुन खर्गे जी बृहत् समावेश उद्देशी मतना जोर चपाली वेदिके स्वागत।